नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं आया हूँ आर के पुरम, जहाँ प्रोग्राम दिवाली मिलन का प्रोग्राम हो रहा है। ये है दिवाली मिलन का प्रोग्राम। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण समिति के द्वारा, जहाँ पर कि हमारे बहुत सारे उत्तराखंड के जो युवा कलाकार हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं, ये है सेक्टर 5 दूधनाथ मंदिर, और ये है एंट्रेंस। ये है सामने प्रोग्राम चल रहा है, और चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं लोगों से कुछ बातचीत। मैं कुसुम रावत, मेरा नाम कुसुम रावत है, मैं सेक्टर 12। ये एक हर्बल टी है, हर्बल टी। ये पहाड़ों से, मतलब इसे हम खास पहाड़ों से लेके आते हैं, जड़ी बूटी लाके यहाँ बनवाते हैं। और ये इसको पीने से, मतलब ये काफी चीजें, जैसे ये आंखों के लिए ठीक है, और ये पाचन के लिए, और वेट लॉस के लिए, और सर में दर्द वगैरह आजकल सारी चीजें होती है वगैरह, तो इसके लिए ये बहुत लाभकारी है। और हमारे पास एक ये सोप है, शॉप है, ये हर्बल शॉप है। ये बिल्कुल एकदम केमिकल, इसमें केमिकल नहीं है, बिल्कुल केमिकल फ्री है, केमिकल फ्री है। और इसमें रेट है 100 रुपए के लोगे तो 4 है। और इसके बाद एक शिलाजीत है, ये शिलाजीत है, ये बहुत ताकतवर चीज होती है। इसे मतलब ये भी पहाड़ों से मतलब लाया गया है, पहाड़ों से ओरिजिनल चीज है। जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में हो, और कहीं जिम, मतलब जिम, जैसे जिम जाते हैं, और जैसे कई लोग, जैसे आप सर्दियां आ रही है तो थोड़ी सा ठंडी ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए गर्माहट के लिए ये बहुत, मतलब ये बिल्कुल भी इसमें भी केमिकल नहीं है, ये भी मतलब शुद्ध है एकदम बिना उसके। और बाकी मतलब ये हमारे दो ये है, इसमें ये जैसे मीठा है, इसमें शुगर के नाम पे गुड़ है, और गुड़ है, और मतलब उसमें हल्दी, तुलसी, अदरक, एलोवेरा, इसमें बहुत सारी चीजें से बना है। और ये एक वो है, ये शुगर फ्री है, ये शुगर फ्री है, शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं है, और ये हलवा भी नहीं है। और आज हमने एक लगे क्या हर्बल टी को स्टॉल पे लगाया है, जो केवल नेचुरली थी, और ये की फैक्ट्री कानपुर में थी, ये थे ये जो हमने वो हमारे विज्ञान को विज्ञान को उन्होंने लगे थे, और जो सुधर फ्री थे, तो ये की काफी की फर्क पड़ता है। मैंने टी से अगर चाय, मतलब ये संतरा से आप लोग ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और मतलब हम लोग भी संपर्क कर सकते हैं। ये हर्बल टी है, और ये पाचन के लिए भी ठीक है, और शुगर के लिए भी अच्छा है। और जैसे आजकल की खास दौर में जो
तो इनका भी हाथ उठाकर अभिनंदन। हमारा काम ही मनोरंजन। मैं जिस चैनल से आया हूँ उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बात बताऊंगा, लेकिन हमारा जो मेन यहाँ पर उद्देश्य है कि मनोरंजन। आप लोगों ने भी किया तो मेरा भी मन करने लग गया कि इस दो शब्द कहें। और फिल्मी कलाकारों की आवाज में यहाँ पर अगर बैठे होते तो जिस तरह से अपनी खुशी प्रकट करते वो मैं आपको बताऊंगा। राजकुमार जी अगर अपने टाइम के बहुत बड़े कलाकार, राजकुमार जी अगर इसको अपने शब्द में फील करते तो क्या, यानी हमने स्विट्जरलैंड देखा, हमने अड्डा किला देखा है और यूरोपी घूमे, यानी वहां के पर्वतों में वो बात कहा जो उत्तराखंड में है हमारे वक्त में। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो शाहरुख खान की ना पीछे आज के जमाने के शूटिंग के लिए वो बहुत सारे धाम चुना है। और ही बना दिल भर गया मगर तो बना बना भी नहीं हो पाएगा। हर मैं मान रहा हूँ जब भरेगा दिल की दिवाली है अब तक वो नहीं हो चुके अब दिवाली। थैंक यू सो मच थैंक यू। और ये अगर बच्चन जी अगर गए तो बच्चे तो हमें दही और सज्जनों गुजरात का बहुत प्रचार कर दिया, लेकिन ये हमारा प्यार जो उत्तराखंड है इसका प्रचार नहीं किया है। धन्यवाद। पहचानी होगी, ये वैसे देश की आवाज ही है तो वो कैसे खुशी प्रकट करते हैं ये आवाज आपके बीच में। आवंटा को भारत में विकास कम था, अपराध ज्यादा थे, लेकिन बहनों भाइयों अपराध कम है विकास ज्यादा है कि नहीं है। जी मैं तो कभी भी नहीं दिल्ली में भी कह जा रहा हूँ, मैं तो दिल्ली वाली भी कर सकता हूँ। मैं भागा नहीं था जी, अच्छी जहाज होगी जी, वो तो मिले हुए हैं, हम तो मिले हुए हैं। थैंक यू सो मच। आपकी फरमाइश पे और भी मनोरंजन होगा। और मैं फिलहाल एक चैनल हमारे यूट्यूब चैनल है वहां से बिलोंग करता हूं और वहां पर हम सामाजिक आर्थिक एवं विकास के सभी हम भंडारी जी ने रखा है। और मैं देख रही हूं कि जब से इनकी आर्डर में बड़ी इलेक्शन का अनाउंस हुआ है इतनी मेहनत उत्तराखंडियों के खून में है मेहनत करना, मानते हो आप इस बात को या नहीं। इतनी मेहनत करते हैं, पेड़ों की कटाई, पेड़ों की छटाई, सीपीडब्ल्यूडी के काम, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें ये कोई कमी छोड़े, कोई विभाग छोड़े। ठुमक ठुमक जब हिट छे तो पहाड़ी बटुमा छम छमा गुलाबी शरारा और चंदी तेरी
सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार और दीपावली मिलन समारोह हो रहा है आज, जिसमें कि हमारा जो उत्तराखंड का जो कल्चर है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं गढ़वाल से हमारे दरिया चौपड़ा बाजमन मैलो वो सारे गीत और कुमाऊं से जैसे चौपड़ा वगैरह वो सारे आप लोगों के इसमें गीत होंगे उत्तराखंड और दिल्ली में। यही कहूंगा जैसे उत्तराखंड हम लोग उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन जहाँ पर हमारा उत्तराखंड ही होता है, चाहे दिल्ली हो चाहे विदेशों में भी हम लोग कार्यक्रम परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ अपने उत्तराखंड की खुशबू आ जाती है और उत्तराखंड में इस प्रकार का आनंद हमें वहाँ मिलता है, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस हमें हमेशा जो है आती है, हमें देखती है सुनती है, वैसे ही यहाँ पे सुनता है, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आपने उससे बात करी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भविष्य बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड के गीत है, उत्तराखंड की बोली भाषा है, जिसको हम आगे ले रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप उत्तराखंड का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों को, खास करके आनंद भाई को, भंडारी भाई भाई साहब को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी, आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, आदरणीय बरखा शुक्ला जी, आदरणीय मनीष भाई साहब, आदरणीय तुलसी जी, आदरणीय मनीष जी और यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच। अरे भाई, इतना सुंदर कार्यक्रम था, आपने क्या भाषण के लिए मुझे न्योता दे के व्यवहार किया। इसलिए अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में कहूंगी कि दीपावली केवल दियों का या रोशनी का त्योहार नहीं है, दीपावली तो राम के वापस घर आने का त्योहार है। राम वापस आए तो दिए जले, यानी राम के वापस आने से, उनके लौटने से जो राम राज्य की स्थापना हुई, जो खुशहाली हुई, उनके आने से उजाला आया है। और 2024 की ये दीपावली तो वाकई वैसी दीपावली है जो मुझे लगता है अवधवासियों ने अयोध्या धाम में तब मनाई थी जब प्रभु राम वापस आए थे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जनवरी 2024 में राम वापस आ गए हैं। राम लला की स्थापना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा इसी वर्ष अयोध्या धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से। इस वर्ष आप जब अपने घरों में दिए जलाएंगे तो याद रखिएगा, उसमें केवल तेल नहीं जल रहा होगा, आपके जीवन की नकारात्मकता जल रही होगी, उसमें केवल बाती नहीं ज्वलित होगी, उसमें हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष ऐसी जैसी जैसे भी कुछ भी खोट होंगे वो ज्वलित हो रहे होंगे, वो प्रज्वलित हो रहे होंगे, वो भस्म हो रहे होंगे और उस रोशनी के माध्यम से राम राज्य पुनः स्थापित हो रहा है भारत वर्ष में। आप सभी ने एक इतना बड़ा जनादेश दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तीसरी बार देश का प्रधान सेवक चुना, एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया है। ये राम राज्य की स्थापना में एक बहुत बड़ी पहल है। दीपावली का ये दीपोत्सव का ये बड़ा पर्व जो हमारा है, ये आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आरोग्यता संपदा लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक सम्मान स्वयं करना चाहूंगी, वो जो सिंगर थे यहाँ पर सूर्या जी, जिनके ऊपर माँ शारदा की असीम कृपा है, जिनके मधुर वाणी और उनके स्वरों पर मेरी बहने यहाँ पर थिरक रही थी, जरा उनको एक मिनट बुला दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। और सूर्यपाल सिवान जी के लिए आरके पुरम मंडल में प्रथम बार आने के लिए बहुत बहुत हम भी आभारी हैं, हम भी धन्यवाद करते हैं। और मैडम का तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मंच साहब आप प्रथम बार कह रहे हो, मैं आपको बता दूं मेरे पूरे वो ठीक है, क्योंकि ये वो मैदान है जहाँ पे मेरे पूरे के पूरे चुनाव का शमशान दिए थे। सूर्यपाल जी की नहीं कह रहा हूँ मैं, आप तो हमारे दिल में हो और आज तक पूरी जनता आपके दिल में। मैं सभी यूट्यूबर्स का, सभी चैनल वालों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हे भूमि एसके के यूट्यूब चैनल को खास करके हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बड़े भाई अनिल शर्मा जी से गुजार अच्छा लगे तो मुझे अपनी ताली की सेवा करते हैं सभी लोग। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली चादरे, न देखी न भूली तेरी के भली चादरे।
जीरे नके तीन दूनी हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखेड़ी के भली छा जीरे नके तीन दूनी तेरी के भली छा जीरे नके तीन दूनी भली आंगेड़ी के भली छा जीरे रंगीली बिछौड़ी के भली चाजी रे रंगीली बिछौड़ी आई तेरी रुमाला गुलाबी मुखेड़ी के भली चाजी रे नकदी नथूली Oh, no.
क्या गजब लगे भाई।